राहुल और प्रियंका ने बनाया नया प्लान। इस रणनीति के तहत कांग्रेस की होगी शानदार जीत। जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगामी चुनाव देखते हुए राज्य कार्यकाल पदाधिकारियों और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। गुरुवार को 75 महासचिव, 5 प्रोटोकॉल और 19 जिलों में जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई है। कांग्रेस में हुई करारी हार और उसके बाद मची उठापटक के बीच कांग्रेस लीडरशिप अपने घर को दुरुस्त करने की कवायद में जुटता दिख रहा है। इसके तहत वह आगामी चुनाव संभावित राज्यों पर खासा फोकस कर रहा है। गुरुवार की देर शाम कांग्रेस हाईकमान ने लंबे समय से अटके पड़े अपने प्रदेश संगठन की तस्वीर को दुरुस्त करते हुए वहां पदाधिकारियों की नियुक्ति की। देर शाम पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक पार्टी ने जहां 25 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की, वहीं भारी भरकम महासचिवों की फौज बनाई। पार्टी ने 75 महासचिव और 5 प्रोटोकॉल और 19 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। गौरतलब है कि इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में लीडरशिप ने नेताओं से फीडबैक भी लिया। गुजरात में प्रदेश इकाई में फेरबदल की चर्चा काफी समय से थी। दरअसल पिछले 3-4 दिनों से गुजरात मामलों के प्रभारी रघु शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष जगदीश ठाकुर दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। पिछले 3 दिन से गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर प्रभारी रघु शर्मा के साथ दिल्ली में मौजूद है। कांग्रेस वहां अपनी प्रदेश इकाई की तस्वीर को पूरा कर चुनावी तैयारियों में जुट जाना चाहती है, क्योंकि उसे इस बार वहां आम आदमी पार्टी की ओर से मिलने वाली चुनौती भी समझ में आ रही है।